शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको नंबर लाइन के ऊपर 3.765 की वैल्यू दिखानी है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपको उसे छोटा कर करके, मतलब कि उसके जो पार्ट्स हैं उनको एनलार्ज कर करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आपका विजुलाइज का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है पॉइंट से इधर, ये जो नंबर है, ये होल नंबर, ये कितना है और इससे नेक्स्ट कितना होगा। ये आपका 3 है और इससे नेक्स्ट आपका 4 होगा। तो 3 और 4 के बीच में ही वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, ये जितनी भी ये वैल्यू है 3.765, ये आपके 3 और 4 के बीच में ही आएगी। तो पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर हैं जो आपको विजुलाइज करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ये होगी कि आपको 3 लाइनें खींच लेनी है और उन 3 लाइनों में इक्वल डिस्टेंस पे आपको 10 पार्ट्स बना लेने हैं। जैसे कि ये मैंने लाइन खींची है और इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं इस तरह से। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 लाइनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका आंसर जो आएगा वो 3rd लाइन पर आएगा। ये तो पहली बात। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पहली लाइन के जो है ना एंड पॉइंट्स पे ये होल नंबर लिख लेंगे 3 और इससे नेक्स्ट वाला 4। अब क्योंकि ये 3 है तो यानी कि 3.0 है ये, और ये आपका 4.0 है। ये आपका 3.0 है, ये आपका 4.0 है। तो जब 3.0 से हम एक स्टेप आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। तो ये हो गया 3.7। हमें 3.7 चाहिए ना अगला पॉइंट, और 3.7 से अगला है 3.8। अब इतने पार्ट को जब हम मैग्नीफाइंग करेंगे, मतलब कि इसको हम एनलार्ज करेंगे, जैसे रबड़ की तरह इसको खींच देते हैं, तो इसको खींच देंगे तो हमारी ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। यानी कि इस लाइन को एनलार्ज करके मैं अब इस लाइन के ऊपर शो करूंगा। अब आपके जो 3.7 पॉइंट है इसे तो यहाँ लिख लेंगे और इस लाइन का जो एंड पॉइंट है उसे आप यहाँ लिख लेंगे। अब 3.7 का मतलब होता है 3.70। अब 7 के बाद आपको 6 देखना है, तो यहाँ से चलेंगे जब आप 3.70, तो फर्स्ट हो जाएगा 3.71, 3.72, 73, 74, 75, 76। यानी ये जो चीज है ये आपकी 3.76 और इससे अगला आपका 3.77। बस ये दो पॉइंट ही आपको यहां लिखने हैं। अब ये जो लाइन आ गई है, अब इसको आपको मैग्नीफाइंग करके इससे नेक्स्ट वाली लाइन, ये जो है इसको मैग्नीफाई करके आप इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसे आप रबड़ की तरह खींच देंगे तो ये इसके 10 टुकड़े हो गए, और इसका जो शुरू का पॉइंट है वो यहाँ पे, और इस छोटी वाली लाइन का जो एंड का पॉइंट है वो यहाँ पे। अब आपको 76 का मतलब है 760 और आपको दिखाना है 765। तो यहाँ से एक स्टेप चलना शुरू करेंगे, 3.761, 762, 763, 6465। ये जो वैल्यू है आपकी, ये 3.765, ये आपका आंसर, ये आपको शो करना था। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है कि आपको तो यहाँ दिख रहा है ना 4.26 बार। अब बार का मतलब क्या है कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, 4.2626 चलता ही रहेगा। लेकिन आपको अपना आंसर सिर्फ डेसिमल के 4 प्लेसेस तक ही देना है, यानी आपका जो क्वेश्चन बनेगा 4.2626, पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 4 नंबर लेने हैं। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं
आपको उतनी लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। आपको चार लाइन खींचनी है पहले, तो फिर सारी की सारी लाइनों के आपको पार्ट्स करने हैं, 10-10 पार्ट्स। अब इसका सवाल का स्टार्ट करेंगे। अब 4.2626 आपका 4K और 5 के बीच में आएगा। 4 का मतलब होता है 4.0। अब नेक्स्ट स्टेप आपको 2 चाहिए जो नंबर है, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 4.0, 4.1, सॉरी ये 4.0, ये 4.1 और ये 4.2। तो ये चीज़ आ गई आपकी 4.2, और 4.2 के बाद आएगा 4.3, यानी 4.26 जो है ना, ये आपका 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो अब आपको इस लाइन को एनलार्ज करना है। इस लाइन को जब आप एनलार्ज करेंगे, रबड़ की तरह खींच के इसे बड़ा करेंगे, तो इसके ये जो है आपके 10 पार्ट्स में बट जाएगी, और ये इसके 10 पार्ट हो गए। तो इस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 4.2 हो जाएगा, और इसका एंड पॉइंट आपका 4.3। 4.2 का मतलब है 4.0, 4.3 का मतलब है 4.30। अब 20 और 30 के बीच में आपका 26 आएगा, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। 4.20, 4.21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ आ गया आपका 4.26। इससे अगला क्या आएगा, 4.27। अब इसको आपको मैग्नीफाई करके एनलार्ज करना है, उसमें देखना है। अब इस लाइन को जब रबड़ की तरह खींच के इसको एनलार्ज करेंगे, तो इसके ये 10 पार्ट बन जाएंगे, ये वाले 10 पार्ट। और इसका जो शुरू का पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा आपका 4.26, और इसका जो एंड पॉइंट होगा वो होगा आपका 4.27। अब 26 का मतलब होता है 260, और 270 का मतलब, सॉरी 27 का मतलब 270। अब ये 260 है, और यहाँ पे आपको 262 चाहिए, तो 60 और 70 के बीच में तो 62 आएगा। तो यहीं से इसको गिनना शुरू करते हैं, ये 4.260, 261, 262, यहाँ पे आ गया आपका 4.262, और इससे अगला ये वाला आ गया आपका 4.263। अब इस लाइन को आपको एनलार्ज करना है, इसे एनलार्ज कर देंगे तो ये आपकी एनलार्ज लाइन आ गई। ये इसके 10 पार्ट हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 4.262 है, इसका लास्ट पॉइंट ये 4.263 है। अब 262 का मतलब 2620, 263 का मतलब 2630। अब आपके 20 और 30 के बीच में आपका ये 26 आएगा, तो गिनना शुरू करते हैं। 4.2620 तो ये है, ये आपका 21 हो जाएगा, ये 22, 23, 24, 25, 26, तो छठा नंबर ये वाला, ये आया 4.2626, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से इन सवालों को करते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना,